मेहरबानी करें जी। सरदार हुसैन बाबर साहब, सरदार हुसैन बाबर साहब, शुक्रिया शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब आपका शुक्रिया। एक तो आपने मुझे मौका दिया और दूसरी जनाब स्पीकर, कल का जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, सारे सूबे के अवाम अफसरदा है, गमजदा है जनाब स्पीकर। इस तरह की वाकयात का होना जनाब स्पीकर, ये मानना पड़ेगा कि गवर्नेंस का इशू होता है जनाब स्पीकर, मैनेजमेंट का इशू होता है। वरना अगर देखा जाए जनाब स्पीकर, मुझे भी याद है और जनाब स्पीकर आपको तो याद होगा, जब बी चौक में 126 दिन धरना हुआ करता था तो जनाब स्पीकर वहां पे हमें ये सुनने को मिलता था कि अस्पतालों की हालत ठीक करेंगे, तालीम का निजाम ठीक करेंगे, गवर्नेंस का निजाम ठीक करेंगे, मेरिट की बालादस्ती होगी जनाब स्पीकर। ये भी हमें सुनने को मिलता था कि अवाम का पैसा अवाम पे लगेगा। जनाब स्पीकर मैं कल के इशू की जरूर बात करूंगा, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं जनाब स्पीकर के पीटीआई की 8 साल दौरे हुकूमत पख्तूनख्वा पे आज भी हम देख रहे हैं कि सूबे के कोने कोने से मरीजों को सिर्फ यही नुस्खा मिल रहा है कि रेफर टू पेशावर, रेफर टू पेशावर। सवाबी हो, कोहिस्तान हो, तोरघर हो, मलकन हो, बाजवड़ हो, वजीरिस्तान हो, डीआई खान हो। जनाब स्पीकर, गवर्नेंस का अगर इशू नहीं है तो हम तो देख रहे हैं कि हमारे सामने तो पीटीआई की 96 मेंबर बैठे हैं, 96, अगर मैं फिगर को गलत नहीं कोट कर रहा हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन 96 मेंबरान में बड़े माजरत के साथ वजीर खजाना साहब के अलावा कोई एक मेंबर अहल नहीं है जिसको ये इतना बड़ा शोभा दे दिया जाए? क्या इसकी तुक बनती है कि 96 मेंबरान हैं और एक बंदे के पास 2 महकमे हैं? क्या पीटीआई का अपने बाकी मेंबरान पे अजम एतमाद है जनाब स्पीकर? ये तो सोचने वाली बात है। गवर्नेंस का अगर इशू ना होता तो जनाब स्पीकर हमारे मोहतरम लीडर ऑफ द हाउस आज पूछना चाहिए कि उनके पास कितने महकमे हैं। और जनाब स्पीकर आप ये तो आप हमें बता सकते हैं, आपका सेक्रेटरीट हमें बता सकता है कि मेरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास कितने महकमे हैं और वो कितने दिन यहां पे हाउस में आए हैं और अपनी जिम्मेदारी जो है उन्होंने पूरी कर दी है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जब हम करप्शन की बात करते हैं, जब हम मिसमैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम बदतरीन हुक्मरानी की बात करते हैं तो इनको अच्छी नहीं लगती है। लेकिन इन लोगों ने तो सूबे के अवाम को जवाब देना है। 8 बजे अगर ऑक्सीजन का प्रोसेस बंद होता जाता है, 8-9 घंटे के बाद फिर पता चल जाता है कि ऑक्सीजन खत्म है। जनाब स्पीकर ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, जनाब स्पीकर ये मिसमैनेजमेंट है। लेकिन मैं पूछ सकता हूं कि इतना बड़ा सानहा हुआ है, मेरे सूबे के वजीर आला के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उधर चले जाते, मजाक बनाया है इन लोगों ने हुकूमत से? हुकूमतें इसी तरह नहीं होती जनाब स्पीकर, बुरा मानते हैं। एमटीआई एक्ट ले आए, सूबे के सीनियर तरीन डॉक्टर रिटायरमेंट से पहले उन्होंने फ्री नीचे और रिटायरमेंट ले ली जनाब स्पीकर, वो चले गए।
ये काम मैं ये समझता हूं ये हुकूमत की ईमा पे हो रहा है। सेहत कार्ड का या इन लोगों ने कर दिया जनाब स्पीकर, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं आप किसी को 10 लाख नहीं 30 लाख दे दे, मरीज तो अपनी मर्ज की इलाज की सहूलत की ऊपर ही पेमेंट करेगा। अगर सहूलत किसी सूबे में मौजूद नहीं है तो 10 लाख का क्या करेगा या क्या करेगी जनाब स्पीकर। ये लोग मैं वाजे तौर पे कहना चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों पे अवाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। आप जाए इंडियन में हमारे पड़ोस में या आप बड़े बड़े ब्लॉक वहां पे बंद हो गए हैं जनाब स्पीकर। मैं खुद एक हफ्ता पहले ईएनटी की इमरजेंसी में रात 12 बजे गया हूं जनाब स्पीकर। उस इमरजेंसी की एएनटी की हालत मैंने देखी है जनाब स्पीकर, तो मैं वापस आया और मुझे मजबूरन प्राइवेट क्लिनिक में जनाब स्पीकर जाना पड़ा। इमरजेंसी की आपकी ये हालत है, सूबे के अवाम किस तरह ये मानने या मानने को तैयार हो जाए कि यहां पर आपकी सर्विस। हां मैं मानता हूं सिस्टम में खराबियां होती हैं, सिस्टम में कमजोरियां रहती हैं जनाब स्पीकर। मैं हरगिज ये नहीं कहता हूं कि 2013 में हम गए हैं तो हम सूबे के सिस्टम को ठीक ठाक इनके हवाले किया है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जनाब स्पीकर इनको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि इन्होंने सेहत की शोबे की दीगर शोबों की तरह जनाब स्पीकर जो हालत बनाई है ये इनको मानना पड़ेगा। वरना 8 साल के बाद अगर आपकी लीडिंग आपकी केपीएच आपकी हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और पेशावर के बड़े बड़े अस्पतालों की ये हालत हो गई है तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं जनाब स्पीकर के इनके बाकी सूबे के अस्पतालों की हालत क्या होगी। वो हमारी और आप सब लोगों के सामने जनाब स्पीकर। हम नहीं समझते हैं कि ये किस सोच से किस जहन से किस अप्रोच से किसी सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं जनाब स्पीकर। देखने वाली बात है जनाब स्पीकर, आप जाए सारे वार्डों में न्यू कमर डॉक्टर बैठे हैं जनाब स्पीकर। मेडिकल का तो ऐसा प्रोफेशन है जनाब स्पीकर, वो तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कोई भी डॉक्टर उसका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा लाजमी है, बड़ा जरूरी है जनाब स्पीकर। जब हम ये कहते हैं मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या ये मुमकिन है अगर मेरी अस्पतालें अमेरिका से चलाई जा सकती है तो फिर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी सूबे की हुकूमत को भी अमेरिका से चलाया जाए या इंग्लैंड से चलाया जाए। ये कौन मानने को तैयार होगा? आप देखें वहां पर करप्शन की क्या हालत बन गई है जनाब स्पीकर। जिस रिपोर्ट के ऊपर उस दिन हुकूमत वावेला कर रही थी वो रिपोर्ट तो ओपन है, अखबारात में आया हुआ है। दुरानी साहब की स्पीच से पहले सारे सोशल मीडिया पे अपलोड है जनाब स्पीकर। वो रिपोर्ट किस तरह सीक्रेट रिपोर्ट हम उसको कह सकते हैं जनाब स्पीकर? ये हमारा काम है, हम यहां पे जब अवामी मसाइल उठाते हैं हमारा हर किसी ये मकसद नहीं है। हां आज जरूर हम मुतालबा करते हैं अपोजिशन के तमाम में बनाने, तो ये मुतालबा किया है कि तैमूर झगड़ा साहब को मुस्ताफी होना चाहिए, पूरी टेरिटरी क्या होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ये मुमकिन नहीं है उसके लिए। वो चॉइस ले लें, खजाने का चॉइस लेते हैं तो खजाने में रहें, हेल्थ का चॉइस ले लेते हैं तो हेल्थ में रहें, लेकिन सूबे की आवाम की खातिर मेरे इस भाई को ये नहीं संभाला जा सकता जनाब स्पीकर। सूबे के आवाम की तैमूर झगड़ा साहब को
राम करना चाहिए। और मैं आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मुतालबा भी कर रहे हैं कि जनाब तीमोर जगड़ा साहब को एक पोर्टफोलियो जो है आज छोड़नी चाहिए जनाब स्पीकर। बाकी तो मैं उन इश्यूज में जाना नहीं चाह रहा जनाब स्पीकर, लेकिन ये जो परचेजिंग है, प्रोक्योरमेंट है जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर आपको पता है कि मेरे सूबे के लिए वाइड विंडो मेरा ईजा था, ईजा रिलेटेड कोई बता नहीं सकता कि इस हुकूमत में पहले जितना अर्सा गुजरा है ईजा की किसी एक बंदी ने उंगली नहीं उठाई है जनाब स्पीकर। बाबर साहब हमेशा करता हूं, हमेशा करता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईजा की किसी ने एक उंगली नहीं उठाई है जनाब स्पीकर। टीएमडीसी पीटीआई की हुकूमत ने खत्म कर दी वो टेस्ट, मेरे सूबे के बच्चे और बच्चियां मेरे पे काबिलियत पे मेडिकल कॉलेजेस में जाके एडमिशन लिया करते थे जनाब स्पीकर। आज मैं फ्लोर ऑफ द हाउस चैलेंज करता हूं कि एक हफ्ता हो गया है इस्लामाबाद से एजेंसी आई है, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया है जनाब स्पीकर, आज नवा दिन है टेस्ट का रिजल्ट इशू नहीं हुआ है जनाब स्पीकर। क्यों इशू नहीं हो रहा, मैं चैलेंज करता हूं इस हुकूमत को मुझे जवाब दे, सर्विस करे। मेडिकल कॉलेज की एक एक कोर्स 35-35 लाख और 40-40 लाख में बिक रही है और मैं चैलेंज करता हूं कि सर्विस करे। जनाब स्पीकर ईटा के उस टेस्ट में एक रिबन पेपर हुआ करता था जनाब स्पीकर, जो स्टूडेंट ये टेस्ट दे देते थे वो रिबन पेपर अपने पास घर ले जाते थे और अपने स्कोर को प्लस माइनस करके कंपाइल करते थे और उन स्टूडेंट को पता चलता था जनाब स्पीकर कि इस स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए हैं इस टेस्ट में जनाब स्पीकर। आज नवा दिन है, क्या सूबाई हुकूमत हमें जवाब दे सकती है कि ये रिजल्ट क्यों मिले? प्रोपेगंडा यहां पर किया गया कि ये जो टेस्ट है ये लीक हो चुका है, वो लीक नहीं था, जितने एमसीक्यूज थे वो आउट ऑफ कोर्ट थे। ये रिकॉर्ड को मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं और सूबाई हुकूमत इसकी तरदीद करके मैं सबूत पेश करूंगा, सबूत। जनाब स्पीकर हम किस किस इदारे की बात करें जनाब स्पीकर, हम किस किस शोबे की बात करें जनाब स्पीकर, एहतसाबी इदारों ने तो नामालूम वक्त तक आंखें बंद की। बाबू साहब थैंक यू, आपका ठीक है, अभी एक घंटा हमारा इस बात पे गुजर गया और सारा एजेंडा रहता है हमारा। मेहरबानी आपकी जनाब स्पीकर, एहतसाबी इदारों ने तो ताहुक में सान, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 13 तारीख के बाद या 15 तारीख के बाद हुक्म सागर हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक ताहुक में सानी एहतसाबी इदारों ने आंखें बंद की हुई है। हम उन एहतसाबी इदारों से भी पूछना चाहते हैं कि आपसे भी डायरेक्ट पूछेंगे इंशाल्लाह, उनके ऑफिस के काम सुबह के बच्चे बच्चे को पता है कि इधर हॉस्पिटल में कितनी बड़ी तरक्की हो रही है, सूबे के बच्चे बच्चे को बताया जनाब स्पीकर कि यहां पे क्या हलचल मची हुई है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो दबाव में है, थैंक यू, वो घबरा रहे हैं जनाब स्पीकर। लिहाजा हम जरूर ये रिक्वेस्ट करेंगे सूबाई हुकूमत से कि इस तरह के हादसात, अफसोसनाक हादसात, सानेहात, उस पे आंखें बंद करना जनाब स्पीकर ये नामंजूर है। लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब की हिदायत पे हमें हकूमत की इंक्वायरी कमेटियों पे एतमाद नहीं है, लिहाजा लीडर ऑफ द अपोजिशन की हिदायत पे आज मैं इसी हाउस में सूबे के तमाम आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसी इंक्वायरी के लिए हमने सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन फुलदर खान की सरबराही में एक कमेटी बनाई है, उनके मेम्बरान में निकट और अंग्रेजी भी है,
इनायत उल्लाह खान है, सर गुप्ता दीदी है, सरदार नालोटा साहब है, अहमद कुंडी साहब है और हमारी दीगर दो साथी इंशाल्लाह उसी कमेटी में शामिल है। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की हिदायत की इमाम के उनके हिदायत पर मैं फजल खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपना रिपोर्ट जो है वो फाइनल करेंगे और वो रिपोर्ट इंशाल्लाह फिर हम सूबे के आवाम को इंशाल्लाह पब्लिक करेंगे। सेकेंडली हुकूमत और बड़े माजरत के साथ जनाब स्पीकर आपके चेयर अपोजिशन ने फैसला किया है कि असेंबली इजलास में हम मुहज्जब एहतजाज जो है वो जारी रखेंगे। मुहज्जब असेंबली के बाहर सीएम ऑफिस और स्पीकर हाउस के बीच में तमाम मेंबरान का मुस्तकिल कैंप लगा रहे हैं। कैंप ये हम किस गरज से लगा रहे हैं? ये हम इस गरज से लगा रहे हैं कि सूबे की तारीख में असेंबली की इतनी बेतौकीरी नहीं हुई है जितनी पीटीआई की दौर में ये बेतौकीरी समझी गई। सूबे के तारीख में अपोजिशन को इतना दीवार से नहीं लगाया गया है जितना पीटीआई के दौरे हुकूमत में लगाया गया है। 2.5 साल गुजर गए, आप बैठे, आपने एश्योरेंस कराई, हम मान गए। वजीर आला साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस करो, हम मान गए। मिनिस्टर की कमेटी बनाई, हम मान गए। बजट का मरहला आया, हम मान गए। हम एहतजाजों पे आए, हम मान गए। नतीजा क्या हुआ जनाब स्पीकर? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बताना चाहता हूं सूबे के आवाम को कि इंशाल्लाह अगर हुकूमत ने इसी एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो मैं इतना जरूर बता दूं, मैं धमकी देना नहीं चाह रहा ना मैं धमकी दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं और मैं हुकूमत को आगाह करना चाहता हूं कि ये तो एक हुकूमत है, इसी तरह अगर 10 हुकूमतें भी आ जाए तो हमें इंशाल्लाह अपने एहतजाज से रोक। थैंक यू जी लुथरमान साहब।